हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिनों से पोस्ट नहीं करी थी, दैट इज़ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड नाउ दैट आई एम फाइन, आई थॉट कि मैं अपने आप को पैम्पर भी करूँगी। सो फेस्टिव सीजन चल रहा है एंड इट्स द राइट टाइम टू यू नो पैम्पर योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा ग्लो अप देने का। तो आप इसको एज अ ग्लो अप भी ले सकते हो, एज अ पैम्पर रूटीन भी ले सकते हो। मैंने हेयर केयर, बॉडी केयर, स्किन केयर सब कुछ शेयर किया है यहाँ पर, अपना बेसिकली अपना करंट स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर रूटीन शेयर किया है। सो आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर हिट कर देना इसी तरीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं इस रिलैक्सिंग पैम्परिंग रूटीन के साथ। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेयर ऑयल से, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स लिए हैं एंड आई फील कि मेरे बालों को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैम्परिंग की। और मुझे लगता है बेस्ट चीज़ होती है ऑयलिंग करना, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल। हम एक सिंपल सा DIY हेयर मास्क बनाने वाले हैं क्योंकि हेयर फॉल भी हो रहा है। सो यहाँ पर मैंने कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल लिया हुआ है, अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और उसमें मैंने कलौंजी का तेल मिक्स किया हुआ है। अप्लाई करने से पहले आप अपने बालों को डिटैंगल कर लीजिए। ये पहले डिटैंगल करने से ना, एक तो आप अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर पाओगे एंड दूसरा आपको बाद में हेयर फॉल कम होगा। कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल इतने बढ़िया होते हैं। सिर्फ 30 मिनट अगर आप कोई कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल को अपने बालों में एज अ मास्क लगा के रखोगे तो आपके बालों को ये मॉइस्चर देगा, और अगर आप ओवरनाइट रखते हो ना तो आपके बालों को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करेगा। कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, तो you know, आपको कम में ज़्यादा मिल जाता है। कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें होता है लॉरिक एसिड, और लॉरिक एसिड जो है ना बालों में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, बालों को अंदर और बाहर से प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं कुछ बेनिफिट्स बताऊँ कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल के, तो बालों को स्मूथ करता है, फ्रिज फ्री बनाता है, मॉइस्चर देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है रूट्स से, एंड साथ ही बाल सॉफ्ट भी करता है, आपका हेयर लॉस कम होगा। ऑल्सो प्री मेच्योर ग्रेइंग क्या अगर डर है या हो गए हैं तो वो रोकने में उनको हेल्प करेगा। रिवर्स ऑब्वियसली नहीं कर सकता, बट वहीं रोक देगा एंड ओवरऑल आपके बाल जो है ज़्यादा नरिश्ड और हेल्दी लगेंगे। सो कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल का कोई भी आप यू कैन DIY अ लॉट ऑफ कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल मास्क। लाइक आप हनी मिक्स कर सकते हो, एग मिक्स कर सकते हो एंड देन अप्लाई कर सकते हो, एंड एवरी टाइम आपको रिजल्ट बेहतरीन ही मिलेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे फेशियल हेयर रिमूव। नाउ जितने भी टूल्स वगैरह मैं इस वीडियो में यूज़ कर रही हूँ ना, उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर मैं एक फेशियल ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ। आपने मुझे बहुत वैरायटी ऑफ फेशियल ट्रिमर्स यूज़ करते हुए देखा है, बट आई जेन्युइनली प्रेफर यूजिंग फेशियल ट्रिमर्स। अगर आप बिगिनर हो इन फेशियल हेयर रिमूवल और आपको पेनलेस तरीका चाहिए, देन यू शुड गो फॉर दिस। बट अगर आपको लगता है कि नहीं फेशियल मेरे को तो रेज़र यूज़ करना है, गो फॉर इट। ऐसा कुछ नहीं है, रेज़र से आपको ज़्यादा क्लीन शेव मिलता है, आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है, वेरस ट्रिमर जो है वो आपके सिर्फ टॉप लेयर से हेयर को रिमूव करता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो एक बार जब फेशियल हेयर मैंने अच्छे से रिमूव कर दिया है तो उसके बाद मैं पानी से उसको वॉश ऑफ कर लूँगी एंड अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, विच इज़ क्लेंजिंग। सो क्लेंजिंग के लिए भी मेरे पास एक डिफरेंट टूल है आज, बट आई एम स्टिल ट्राइंग इट आउट, फिगरिंग इट आउट, एंड इसलिए मैं आपको भी नहीं बता रही हूँ ये क्या है और कैसे वर्क करता है। सो मैंने अपने फेस पे पानी लगाया हुआ था, पोछा नहीं था, एंड इस टूल की हेल्प से मैं सिर्फ अपने फेस को ना ऐसे एक काइंड ऑफ कह सकते हो स्पैचुला है और अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। तो ये ना ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जो भी आपके पोर्स तक लेवल पे भी जो गंदगी छुपी बैठी हुई है ना, उसको निकाल देता है। एंड आई हैव सीन कि एवरी टाइम आई यूज़ दिस टूल, फर्स्ट डे मेरा फेस ना अजीब सा हो जाता है, लाइक आई गेट बम्स ऑल ओवर माई फेस, बट दो तीन दिन में वो सबसाइड हो जाता है। मैं इसको वीक में वन टाइम यूज़ करती हूँ, एंड इसको आप सिर्फ क्लेंजिंग के लिए नहीं, आप इसको फर्मिंग और मॉइस्चराइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो आप इसका सिर्फ ऐसे एंगल बदल दो एंड जस्ट मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप सिर्फ अपने फेस पे इसको सिर्फ ड्रैग करना है, एंड ये आपके जो भी मॉइस्चराइज़र आपने लगाया ना, वो आपके पोर्स में अच्छे से बिठाने में हेल्प करेगा। नाउ इस इंस्ट्रूमेंट में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी नॉइज़ है, बहुत इरिटेटिंग सी नॉइज़ है, तो डिटेल्ड वीडियो आएगा बहुत जल्दी, अभी बिल्कुल ध्यान मत दो इस चीज़ पे। आप नॉर्मली अगर ऐसे ही लगाना, स्क्रब व्रब करना पसंद करते हो तो वो भी कर सकते हो।
नेक्स्ट है बॉडी हेयर रिमूवल. नाउ आई एम वेरी 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 लेजी व्हेन इट कम्स टू बॉडी शेविंग एंड या फिर वैक्सिंग. तो मैं यूजुअली ना चलता वाला काम करती हूँ. सो आई एम लाइक चलो पैरों को छोड़ो अभी, सिर्फ हाथ और अंडर आर्म्स कर लेती हूँ. सो आई एम यू जस्ट शेविंग माई हैंड्स बिकॉज ऑब्वियसली ये पेनलेस तरीका है एंड यू नो फटाफट दो मिनट में हो जाता है. तो फेस वॉश लेकर के पहले मैंने अपने हाथों पर अप्लाई कर लिया था तो झाग वगैरह हो गया, रूट्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है उससे. एंड देन अपना रेजर लेकर के बालों की जो ग्रोथ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको चलाना है. एंड आई फील दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट योर यू नो बॉडी हेयर रिमूव्ड. एंड जिन लोगों को लगता है कि यू नो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा आती है या फिर बड़े बड़े आते हैं, ऐसा नहीं होता. आई हैव बिन शेविंग सिंस लाइक 2-3 ईयर्स नाउ एंड आई एम ओके विद इट. नेक्स्ट हम करेंगे पोस्ट शावर स्किन केयर, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद मैंने अपना सिर वगैरह धोया एंड यू नो नहा धो करके आई हूँ. माई हेयर इज़ स्टिल वेट. सो सबसे पहले मैं एक हेलोरॉनिक एसिड सिरम अप्लाई कर रही हूँ. मॉर्निंग टाइम में आई यूजली अप्लाई अ हेलोरॉनिक एसिड सिरम क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है. तो हेलोरॉनिक एसिड सिरम जो है वो यू नो ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा होता है. तो उसको अच्छे से अप्लाई कर देना है एंड उसके बाद उसको लॉक इन करने के लिए मैं एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. मैं यहाँ सनस्क्रीन स्पेसिफिकली यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मेरे मॉइस्चराइज़र में ही सनस्क्रीन है. तो सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र 2-in-1, एक ही बार में ख़त्म. ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने. आप अपने हिसाब से जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिरम भी लगाओ, आप मॉइस्चराइज़र जो मैंने यूज़ किया वो यूज़ करो. आप जो सिरम यूज़ करता है, विटामिन सी यूज़ करते हो वो यूज़ करो, नायसिनामाइड यूज़ करते हो वो यूज़ करो. अब क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं, मतलब सर्दियाँ आ रही हैं, तो यू नो बॉडी भी बहुत ड्राई हो जा रही है. मैंने घर के लिटरली एक एक कोने में जो है वो बॉडी लोशंस रख रखे हैं कि जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बॉडी ड्राई हो रही है तो मैं फटाफट से बॉडी लोशन लगा लूँगी. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग अ बॉडी लोशन ऑल ओवर माई हैंड्स एंड यू नो लेग्स. मैंने दिखाई नहीं बट या आई डिड दैट. एंड देन मौसम बदल रहा है, ड्राई हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं तो लिप्स भी फट रहे हैं, तो लिप बाम भी लगा लिया मैंने. एंड आई लाइक टू मसाज माई लिप बाम जिससे कि ना अच्छे से लिप्स में सिंक इन हो जाए. जो नेक्स्ट है वो है नेल्स. तो नेल्स पे मैंने ऑब्वियसली नेल एक्सटेंशन कराने का मन था मेरा बट आई डिडंट गो फॉर इट बिकॉज मेरे नेल्स ना बैक टू बैक 2-3 बार जो मैंने नेल एक्सटेंशन कराया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गए और अजीब से हो गए. दे आर ब्रेकिंग, बहुत ब्रिटल हो गए. सो इसलिए मैंने डिच करा. आई हैव नॉट डन नेल एक्सटेंशन मेरे ख्याल से आराम से 2 महीने से ऊपर हो गए. लास्ट टाइम मैंने आई थिंक बर्थडे पे कराया था, उसके बाद से मैंने नेल एक्सटेंशन नहीं कराया है. मैंने सोचा छोड़ो न्यूड सा एक नेल पेंट लगा लेते हैं. एंड न्यूड नेल पेंट इसलिए भी क्योंकि वो सब चीज़ों के साथ में चला जाता है. एंड दिस इज़ हाउ माई हैंड्स लुक. आई वॉज़ हैप्पी. मैं नेल पेंट्स इसलिए लगाना अवॉइड करती हूँ ना क्योंकि आई ऑलवेज एंड अप स्मजिंग देम अप, ये ख़राब कर देती हूँ. सो सेम नेल पेंट मैंने अपने हाथों पर भी लगाया और फिर पैरों पर भी लगाया बिकॉज द कलर वॉज रियली नाइस एंड इट लुक्ड रियली नाइस. तो और पैर पे भी ना नेल पेंट अगर लगा लो, स्पेसिफिकली अगर रेड कलर लगाओ ना पैरों पे तो पैर बड़े सुंदर लगते हैं, साफ साफ लगते हैं. सो मैंने सोचा चलो रेड तो नहीं बट यही वाली लगा लेती हूँ बिकॉज आई एम लेजी दैट वेज. सो इसलिए फटाफट से हाथों पैरों में नेल पेंट लगा लिया एंड दिस इज़ हाउ माई फीट लुक्स लाइक. आई लाइक इट, साफ साफ लग रहे हैं. दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड कि साफ साफ लगे, वरना ना नील्स थोड़े भी बड़े हो जाते हैं तो बड़े गंदे लगते हैं. एंड द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ अपने बालों को सुलझाना, सुखाना. आई लाइक दिस हेयर ड्रायर कम कोम. मैंने इस पर एक शॉर्ट बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखना मेरे शॉर्ट्स. मैं बड़े अच्छे शॉर्ट्स डाल रही हूँ आजकल, अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ. बट येस आई हैव अ शॉर्ट ऑन दिस एंड यू कैन गो एंड चेक इट आउट. एंड एवरी टाइम आई वॉश माई हेयर, अभी तो तबीयत भी ख़राब है मेरी, कोल्ड हुआ है तो मैं बालों को ज़्यादा देर तक ऐसे गीला नहीं छोड़ सकती. तो थोड़ा सा जैसे ही एयर ड्राई होता है मैं फटाफट इस ब्लो ड्रायर से जो है अपने बालों को यू नो ड्राई कर लेती हूँ. एंड आई लाइक इट, बहुत फास्ट है. एंड आई मीन आई फील कि जहाँ मैं अपने बालों को 3-4 घंटे देती थी सूखने में देन कंघी करने में, आई गेट माई डिज़ायर्ड रिजल्ट इन लाइक 10-15 मिनट्स मैक्स. एंड ऑल्सो मैं फुली ड्राई नहीं करती इससे अपने बालों को, आई ड्राई देम लाइक अप टू 80% एंड देन जो बचा हुआ मॉइस्चर है वो अपने आप से ही जाने देती हूँ. बिकॉज अगर मैं कम्प्लीटली ड्राई करूँगी तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई फील होते हैं. सो आई जस्ट ड्राई माई हेयर अबाउट 70-80% एंड दैट इज़ इट. तो उससे क्या होता है, बाल सीधे भी हो जाते हैं, टैंगल भी खुल जाता है बिना बाल टूटे. आई लिटरली आई रियली वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस कि इसको यूज़ करके मेरे बाल, एक तो मैंने ऑयलिंग करी थी है ना, तो वैसे ही बाल अच्छे हो रहे थे है ना. उसके बाद इसको यूज़ करके बाल लिटरली आई थिंक 8-10 बाल टूटे होंगे मेरे. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉट यूर ईटिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रॉपिकली हम बहुत चीज़ें अप्लाई करते हैं
बट चाहे एक्ने हो चाहे हेयर फॉल हो, अ लॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ईटिंग. सो मेक श्योर कि आप हेल्दी खाना भी खाओ. सो गाइज आई एम डन. मैंने मेकअप एक्चुअली जानबूझ के नहीं लगाया बिकॉज दिस वॉज अ रिलैक्सिंग सेशन एंड लेट्स नॉट यू नो उसको हैवी नहीं कर देते मेकअप के साथ में. यू कैन ऑब्वियसली टेक दिस एज अ ग्लो अप सेशन एंड इसके बाद आप मेकअप वगैरह लगा सकते हो. आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट रियली रिलैक्सिंग और सॉफ्ट और ऐसे यू नो कामिंग सा. सो आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट. अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया है. ऑल्सो जितने भी टूल्स मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, बहुत सारे टूल्स दिखाए मैंने इस वीडियो में. सो जितने भी टूल्स मैंने दिखाए हैं उन सब के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी फ्यूचर में. सो डोंट वरी अबाउट दैट, वीडियो जल्दी ही आएगा. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन. तब तक हैप्पी फेस्टिविटीज. बाय.